नमस्कार भाई और बहनों, आज मैं अपने एप्पल के ऑर्चिड में आया हूँ और अभी ये महीना है जनवरी 2024 और इस टाइम आप देख सकते हो जो पेड़ के पौधे हैं कुछ इस स्टेज में होते हैं और आज जो मेरा उद्देश्य है आने का बगीचे में मेरे, वो आपको बताने वाला हूँ कि आज हम कास्टिक सोडे की स्प्रे करेंगे। किस लिए की जाती है कास्टिक सोडे की स्प्रे? देखिए, अगर आपके पेड़ों में इस तरह की मेहंदी वगैरह लग गई है और काफ़ी सालों से ये पौधे अनअटेंडेड हैं होते हैं, तो आप इसके लिए कास्टिक सोडा का स्प्रे कर सकते हैं। और कास्टिक सोडा जो है उससे ये मेहंदी निकल जाती है। तो आज आपको पूरा वीडियो में बताया जाएगा किस तरीके से कास्टिक सोडे की स्प्रे करें और क्या क्या करना है। तो कुछ इस तरह से पौधों में मेहंदी रोग या कई बार हरी हरी सी मेहंदी आपको दिखाई देती है, तो उसके लिए आप कास्टिक सोडा की स्प्रे कर सकते हैं। तो बने रहे आप वीडियो में, पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। तो जिन पेड़ों में मेहंदी रोग या देखिए इस तरह से मेहंदी रोग होता है कि पेड़ों में ऐसे पीली पीली मेहंदी आपको दिखाई देती है, इसी को रिमूव करने के लिए कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। और कई बार आप देखते हो जब सेब तोड़ान होता है तो उसके बाद सफ़ेद सफ़ेद सी एक बीमारी पौधों में अक्सर देखने को मिलती है, तो कास्टिक सोडा की स्प्रे से वो भी दूर किया जा सकता है। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए कास्टिक सोडा की स्प्रे की जा रही है। तो आपको आज आपको पूरा वीडियो में दिखाया जाएगा किस तरह से कास्टिक सोडा की स्प्रे करते हैं और क्या क्या सावधानियां उस समय बरतनी चाहिए। और अगर जब ये स्प्रे करे तो उस दिन मौसम थोड़ा साफ़ हो तो बेहतर रहेगा, ताकि वो पेड़ों के ऊपर कास्टिक सोडा की स्प्रे बिल्कुल अच्छी तरह से समा जाए। और जो भी पौधों के अंदर प्रोटीन्स होता है वो कास्टिक सोडा उसको रिमूव करता है। तो अभी जो ये पेड़ है डोरमेंसी स्टेज पे है, तो आप देख सकते हैं, और ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट का भरमौर सब डिवीज़न का उलंसा गांव, और जो कि काफ़ी फेमस है एप्पल्स के लिए, एप्पल की बेली कहा जाता है भरमौर में। तो देखिए अभी भी सेब जो है कुछ ऐसे पड़े हुए आपको दिख रहे हैं, जो बेकार सेब होते हैं लोग उनको नहीं तोड़ते हैं, वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि तो इस तरह के एप्पल्स आप देख सकते हैं। बेहतर हो अगर आप कास्टिक सोडा की स्प्रे करें तो प्रूनिंग से पहले करें, ताकि जब प्रूनिंग हो तो उसके साथ ही साथ जो बीमारियां वाली टहनी है वो कट जाती है। तो प्रूनिंग से पहले अगर आप करते हो तो बेस्ट है। तो देखिए इस तरह के पेड़ है,
तो हम पूरे रेडी है, और ये भाई हमारा पानी लेके आ गया है, बिल्कुल रेडी है हम इस टाइम कास्टिक सोडा की स्प्रे करने के लिए। तो आज आपको पूरे वीडियो में दिखाया जाएगा किस तरह से स्प्रे करनी है। ये हमारा भाई शशि है, देखिए दोस्तों हमारे पास बड़ा ड्रम नहीं था, तो इस करके हम जो भी हमारे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से हम बनाएंगे। ये 10 लीटर की कैनी है और ये 20 लीटर का कैन है। देखिए दोस्तों इसमें है 30 लीटर पानी आया हुआ है, और अक्सर क्या होता है कि अगर आपके पास 200 लीटर का ड्रम है तो बेस्ट है, बट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो था ये ड्रम 200 लीटर का अवेलेबल नहीं था। तो कास्टिक सोडे की जो आपको रेशो है मैं आपको बता दूं, और ये है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा है, और ये है फ्लेक फॉर्म में, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक सोडियम सोडा। जब ये पानी में घुलता है तो NaOH बनाता है, और ये 1 किलो की थैली है, और ये काफ़ी क्षारीय होता है और काफ़ी गर्म भी होता है। जब भी इसका घोल बनाएं तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी है दोस्तों। ये 1 किलो की पैकिंग है, तो 2 किलो का जो पैकेट है अगर 200 लीटर पानी में मिलाएंगे तो बेस्ट है, बट हमारे पास क्या है कि अभी बर्तन जो है छोटा है, तो 30 लीटर पानी में मैं 300 ग्राम कास्टिक सोडा मैं इसके अंदर मिलाऊंगा। कि हमारे पास बर्तन कम है, वैसे 100 लीटर पानी में 1 किलो का सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा मिलाए तो बेस्ट है, बट हमारे पास सिचुएशन कुछ अलग है, और उसके बाद हम स्प्रे करेंगे। इसको करने से पूर्व आपके पास कुछ सावधानियां आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि देखिए आपके पास ये गॉगल्स वगैरह हो तो अच्छी है, क्योंकि जब इसकी स्प्रे की जाती है तो कई बार ये आँखों के लिए हानिकारक होता है और ये काफ़ी गर्म होता है, तो इसको आँखों में लगा लें, और ये दस्ताने वगैरह रख लें, और मुंह को बांधने के लिए इस तरह से ये बना ले, पूरा आपका मुंह ढका हुआ होना चाहिए। चलिए पहले मैं देखिए दोस्तों इसको खोलने के बाद ये 1 किलो की पैकिंग्स आपको दिखाई देगी। इसमें आप देख सकते हो ये फ्लेक्स फॉर्म में है, ऐसे टुकड़े टुकड़े से बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 1 किलो की थैली है तो इसका 50% ये हुआ, आधा किलो तो ये आधा किलो हुआ, तो इसमें से हम 300 ग्राम डालेंगे हम इसके अंदर। इतना इतना हम ये कास्टिक सोडा डालेंगे इस पानी के अंदर, और इसको बनाने से पहले इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो देखिए कितना सा हम डालेंगे, तो देखिए पानी है, अगर बेहतर हो अगर आपके पास कोई जग है उसके अंदर पहले इसका घोल मिला लें,
बट हमारे पास अभी सिचुएशंस, छोटा जग भी नहीं है, तो हम इसको इसके अंदर डालेंगे। और इसको हम फेंटेंगे ताकि ये बिल्कुल घुलनशील हो जाए इसके अंदर। देखिए ये होते हैं फ्लेक्स इस तरह से, तो ये पानी में घुल रहा है। और इसको घोलने के लिए एक डंडा ले लें, तो इस डंडे से अच्छे से इसको घोल लें। और ये बिल्कुल पानी में मिक्स हो जाएगा। तो ये डब्बा है हमारे पास, इससे हम इसको फेंट सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत क्षारीय होता है, जो पौधों के ऊपर इसका छिड़काव होता है तो ये मेहंदी रोग वगैरह इत्यादि को दूर करता है और गर्म होता है। इसको अगर करने से पहले दस्ताने वगैरह डाल लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरह से और इसको अगर आप अच्छी तरह से इसको फेंट लें तो ये बिल्कुल घुल चुका है और हमारा सेटअप रेडी है। कुछ इस तरह से आपने अपने आप को कवर कर लेना है। ये मैं हूँ ऐसे दस्ताने डाल के, और अब हमारा सेटअप रेडी हो गया है। देखिए दोस्तों, कास्टिक सोडे की जब स्प्रे होती है तो उसका रिजल्ट उसी टाइम से मिलना शुरू हो जाता है। देखिए ये मेहंदी निकलना शुरू हो गई है अभी अभी 10 मिनट हुए स्प्रे करे हुए, तो ये देखिए ये अपने आप निकलना शुरू हो जाती है। तो इतना इफ़ेक्टिव होता है, इतना क्षारीय होता है, ये मेहंदी अपने आप निकलना शुरू हो जाती है। तो देखिए अभी से ही ये मेहंदी निकलना शुरू हो गया है, तो काफ़ी अच्छा है ये। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप।